एसीबी ने शुक्रवार को सुबह सरहदी बाड़मेर जिले के गुड़ा मलानी के एसडीएम को और उनके ड्राइवर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी जोधपुर की स्पेशल टीम ने उसे ट्रैप किया है। एसडीएम सुनील कटेवा ने यह राशि एक मामले में स्टे प्रदान करने की एवज में ली थी। अपने कार्यालय में रिश्वत की राशि लेकर एसडीएम ने उसे ड्राइवर को थमा दी। एसीबी जोधपुर रेंज के डीआईजी विष्णुकांत ने बताया कि परिवादी एडवोकेट पप्पू राम ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरे मुवक्किल पोपट राम की जमीन को लेकर एक मामला एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में स्टे के लिए एसडीएम सुनील कुमार द्वारा 10,000 रुपए की मांग की गई है। शिकायत के सत्यापन के दौरान इस बात की पुष्टि हो गई कि एसडीएम रिश्वत की मांग कर रहा है। आज सुबह ट्रैप का आयोजन कर पप्पू राम को एसडीएम के पास भेजा गया। एसडीएम ने पप्पू राम से अपने कक्ष में 10,000 रुपए लेकर उसे अपने ड्राइवर दुर्गा राम को सौंप दिए। दुर्गा राम यह राशि ले गया और अपने वाहन के अगले डेस्क बोर्ड में रख दिए। इसी दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में जोधपुर से गई स्पेशल टीम के सदस्यों ने एसडीएम सुनील कटेवा को और उसके ड्राइवर दुर्गा राम को दबोच लिया। वाहन से रंग लगे 10,000 रुपए भी बरामद कर लिए। साथ ही एसडीएम की टेबल पर लगे कांच से भी गुलाबी रंग निकला। बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे आगे पूछताछ की जा रही है।